हिमाचल अपनी पात्र आबादी के सभी वयस्कों को कोविड 19 की पहली डोज देने में देश भर में अव्वल रहा है। प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां काफी विषम हैं। यहां बड़ा भंगाल और पांगी जैसी जगहें हैं जो बर्फबारी के कारण दुनिया से कट जाती है। इसी तरह शिमला जिले का डोडरा क्वार भी अति दुर्गम क्षेत्र है। इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम जयराम ठाकुर अपने साथ शिमला से कोविड वैक्सीन की 2500 डोज लेकर शिमला जिला के रोड़ू विधानसभा क्षेत्र के दूरदराज क्वार पहुंचे। ऐसा करने के पीछे इरादा था कि सुदूर क्षेत्र के लोगों के लिए कम समय पर सुरक्षित ढंग से वैक्सीन पहुंचाई जा सके। सुनिए क्या कह रहे हैं सीएम जयराम ठाकुर। मेरा डोडरा क्वार कल जाना हुआ और मुझे जानकारी मिली कि वहाँ सेकेंड डोज का भी उन्होंने जो है वो प्रोसेस वैक्सीन का शुरू कर दिया है, लेकिन यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने के लिए कठिनाई आती है। वो हमने कहा कि हम ही ले चलते हैं और हमने हेलीकॉप्टर में वो वैक्सीन भी ले गए और जो सीएमओ थे वो भी साथ में गए, क्योंकि उनकी ड्यूटी थी, उनको हैंड ओवर करना था उनको, तो इसलिए सारे प्रोसेस को किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि वहाँ डोडरा क्वार में लोग जो है वैक्सीनेशन के लिए बहुत प्रोत्साहित होकर के जो है आगे बढ़ करके सहयोग दे रहे हैं। मैंने भी कल अपील की है, लोगों ने कहा कि हम सेकंड डोज जल्दी जिस तरह टाइम होगा, जो टाइम शेड्यूल उनके लिए मुकर्र किया गया है उसमें, उसके लिए वो तैयार है। सर, प्रदेश में जो लक्ष्य तय किया गया है उसको हम अचीव कर पाएंगे? निश्चित रूप से, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हमारा नवंबर 30 तारीख तक लक्ष्य को पूरा करने का जो हमने जो रखा है, हम उसके करीब पहुंचने की स्थिति में आ रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि हिमाचल प्रदेश में हम सेकंड डोज को भी पूरे देश भर में सबसे पहले पूरा करें। सर, डीए जारी किया गया है, कर्मचारी जो है थोड़ा रोष में है कि आईएएस का 11%। मैं इस सारे बात को लेकर के बात करूँगा आज सर। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।